अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ गोश्त के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनती है, 2 से 3 महीने तक आप विदाउट रेफ्रिजरेटर स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए सबसे पहले प्रेशर कुकर लेंगे। 1/2 kg मैंने यहाँ पर मटन लिया है, इसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बना लिए हैं अच्छे से साफ़ करके। उसके बाद 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच नमक, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएँगे और करीबन 1 गिलास पानी मिलाएंगे गोश्त गलाने के लिए। ढक्कन बंद कर लें। उसके बाद हम 5 से 6 व्हिसल लेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना है क्योंकि अचार में हमें टुकड़े चाहिए वरना ज़्यादा गोश्त गल जाएगा। अभी पानी बाकी है तो पानी सूखने तक हमें इसे खुला खुला पकाना है। देखिए पानी इसका सूख चुका है। अभी चलिए अचार का मसाला बनाते हहैं। मसाले के लिए 3 चम्मच साबित धनिया, 3 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच राई और 1/2 चम्मच मेथी के दाने मिला के भून लेंगे। 2 चम्मच करौंजी मिलाएंगे और फिर से इसे भी भून लेंगे और साबित मसाला में मिलाएंगे और इसका भी पाउडर बना लेंगे। देखिए पाउडर तैयार है, तो 1 कढ़ाई में 1 कप तेल मिला लेंगे, थोड़ा राई और ज़ीरा भी मिला लेंगे और 4 से 5 लाल मिर्च मिलाएँगे, थोड़ा करी पत्ता भी मिलाएँगे और 7 से 8 लहसुन की कलियां कुचल के मिलाएंगे और थोड़ी देर के लिए सॉटे कर लें। उसके बाद जो गला हुआ गोश्त था उसे मिला लेंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाना है। उसके बाद 2 चम्मच हम इसमें जो पाउडर बना के रखा था उसे मिला लेंगे और 1 चम्मच इसमें लाल मिर्ची का पाउडर और 2 चम्मच नमक मिलाएँगे क्योंकि ऑलरेडी हमने मिलाया था। चलिए ये तैयार हो चुका है, तो गैस को ऑफ कर लेंगे तो इसे सर्व कर लेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर मिला सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से, तो आप इसे आराम से कोई भी कांच के बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, ज़रूर से इसे ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कीजिए।